स्पेशल टुडे देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं कीर्ति अज असी उचेचे तौर पर खास गलबात करने के लिए MLA बलविंदर सिंह धालीवाल होर को आए हैं। सो बहुत सारिया विचार चर्चा जीडिया असी करा उन्होंने नाल। सो बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। सर जिदा करोना के हालात जोड़े बहुत ज़्यादा लगातार इजाफा हो रहा करोना लैके किमें देखते हो तुम अपने हल्के कि करोना के दौरान लोगों को मुसीबत आईया क्योंकि तुम वो मुसीबत के दौरान लोगों के नाल रहे हो लोगों के नाल विच रहे हो किमें सारे माहौल में तुम देखते हो क्योंकि आप पिंडे हंडाया इस तरह से सारे आप जानते हैं कि जो करोना हैगा वो तकरीबन मार्च तो जो है अपने पंजाब ज़्यादा काफ़ी केसिस होने शुरू हुए थे तो मार्च तो ही जो पहला गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया फिर सारे इंडिया चल पाएगा और ये सारे ही साढ़े भारतवासी बाकी पंजाब वासी तो प्लस फगवाड़ा वासी बधाई के पात्र हैं कि सारे ने ही कोरोना की फाइट करने वास्ते जिते सेम वरत्या सोशल डिस्टेंस मेनटेन किया है उन्होंने जो सारे बाकी प्रीकॉशनस वगैरह सीगिया मास्क वगैरह लाना से सारा कुछ ला के रखे जिस तहत जोड़ा है अगस्त तक जोड़ा है कोरोना जोड़ा है काफ़ी कंट्रोल रहा है उस तो बाद जिमें कि पहला ही साढ़े बहुत ही सत्कारयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहला ही दसता सेगा कि जरा सितंबर के जोड़ा कोरोना की रफ्तार काफ़ी बढ़ेगी और वह बधी भी हैगी 60% बधी भी हैगी जिते केसिस बधे वे जो डैथ रेट भी बढ़िया है पर क्योंकि ये बीमारी सी क्योंकि हजे तक यदि जी इलाज कोई बीमारी मेडिसिन वगैरह हजे मार्केट में नहीं आई हैगी पर फिर भी लोगों ने अज जिन्ना भी सोशल मीडिया राही ज होर है सारे ने लोगों ने यानी कि उन्होंने सिस्टम फॉलिया जिस तरह कि गर्म पानी पीना या गरारे वगैरह करने या विटामिन सी लेना जिंक वगैरह लेना है इस तरह से सारे ने जो फॉलो करके है काफ़ी कोशिश की है कि इनू घट तो घट किया जाए और लोगों ने प्रिकॉशन करके ही जोड़ा है अज उन्ने केसिस नहीं हुए जिन्ने कि हो जाने चाहिए थे पर फिर भी हजे भी मैं सारे फगवाड़ा वासी अगर अपील करता है हाथ जोड़ के बेनती करता है कि हजे भी जोड़ा खतरा टलिया नहीं है हजे भी अपन संयम बरतना चाहिए है और कोशिश करनी चाहिए कि जब कोई भी कोई सिमटम वगैरह आता बेशक किसी बुखार है खांसी है गला खराब है इस तरह का सिर दर्द है तो जो भी कोई सिमटम आता है तो यह नहीं होना चाहिए कि वह एकदम जोड़ा उन्होंने लुको के रखन या डॉक्टर्स को जाने तो हिच करते हैं तो जेकर असी इमीडिएट पहली स्टेज पर ही असं चैक करा लें और प्रिकॉशनस लैके मेडिसिन ले लें तो कोई गल नहीं घर बैठे अपना इलाज हो सकता है पर जो आप सैकंड थर्ड स्टेज के आप आने फिर वो डिले हो जाता तो डिले होने तो बाद फिर आपको जोड़ा है ऑक्सीजन वगैरह जो हॉस्पिटल जाना जरूरी पैदा तो इस करके मैं सारा ही फगवाड़ा वास अगे हाथ जोड़ के बेनती करता कि जेकर किसी कोई सिमटम आता है तो उस टाइम वो तुरंत आपका चैकअप करवा और जेकर करोना वगैरह की कोई इस तरह पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो फिर प्रिकॉशन लगे घर इलाज करना। सर हुण अनलॉक शुरू हो गया होया अनलॉक के दौरान लोग जिहड़े ने पहला बहुत पैनिक होए हुए सीगे हुण लोगों ने उन्हूं सीरीयस लेना बंद कर दिता ते जदों असीं मौजूदा हालात देख रहे उदों सिर्फ करोने दे आंकड़े वधदे सीगे करोना पॉजिटिव दे हुण मौत दर जिहड़ी उह वी वधनी शुरू हो गई है उन्हूं किवें मतलब तुसीं देखदे आ क्योंकि हालात जिहड़े नाजुक हो रहे ने लोगों च सीरीयसनैस जिहड़ी उह घट गई है लोग इहनूं मजाक च लैणा शुरू हो गए उन्हां लोगों लई की कहना जिस तरह कि अप टू जुलाई तक है लोगों ने जोड़ा है करोना जो पहला 1.5-2 महीने लॉकडाउन होया से तो लोगों ने बड़ा सीरीयसली लिया जे पर पिंडा जाते तो लोगों ने अपने पिंड बैरीकेडिंग करती थी तो कोई बाहरला व्यक्ति ना आए एक नहीं शहरों में भी सी महल तो महल लोगों ने गेट बंद कर लिया सब कुछ कर लिया जिमें ही सरकार वालों लॉकडाउन में ढिल दी गई हैगी तो उस दिन जोड़ा है कि लोगों के जो मन डर निकल गया शायद करोना खत्म हो गया है हूँ अपन ज़्यादा प्रिकॉशन लैन की जरूरत नहीं हैगी पर पिछले अगस्त मिड तो लैके जोड़ा है करोना की केसिस के रफ्तार बधी हैगी है उसका डैथ रेट भी बढ़िया है तो इस करके रीज़न ये कि लोगों ने जोड़ा है पहला चैकअप नहीं कराया जो सिमटम आ भी गया लोग घर ही मेडिसिन लेंदे रहे ने पर हूँ क्योंकि गवर्नमेंट भी इन्हें बड़ा सीरीयसली लै रही हैगी तो गवर्नमेंट वालों हूँ जोड़ा है सैंपलिंग वगैरह है जो सर्वे वगैरह वो पिंडा भी करवाया जा रहा है और सर्वे उस व्यक्ति उत्ते कॉन्सनट्रेट किया गया जेडे कि ओल्ड एज है प्लस वो किसी न किसी बीमारी तो प्रभावित है किसी को डायबिटिक है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है क्योंकि देखने भी आया है कि जेडे भी किसी न किसी कोई बीमारी है तो उन्होंने जेकर करोना हो गया तो उन्होंने रिकवरी बहुत मुश्किल हुई है या फिर उन्होंने कैजुअलिटी वगैरह हो गई हैगी तो इस करके मैं सारे फगवाड़ा वास्ते बेनती करता कि इनू सीरीयसली लैके हजे भी सानू बहुत प्रिकॉशन लेना क्योंकि हजे जरा करोना के केसिस के जी है हजे अपस्ट्रिंग चल रही हैगी है उपर जा रहा है तो इस करके हजे भी सानू मन में डर रख के जोड़ा है इनू प्रिकॉशनस जिमें मास्क वगैरह जोड़ा है तो दूसरा जोड़ा सानू
सोशल डिस्टेंस वगैरह मेनटेन करना है, जिवें ब्याह दे विच जां बॉम्बे सेक्शन लाइया है वो जां क्रिमेशन वगैरह, तो कोशिश करनी चाहिए कि जिन्हें तो घट इकट्ठ हो, और इकट्ठ भी घट हो तो नाल दे सोशल डिस्टेंस जरूर मेनटेन किया जाए। सर दूसरे पास जिदा फगवाड़ा दे विच बहुत जल्द कारपोरेशन दे इलेक्शंस आने वाले ने, करोना के हालात चल रहे हैं, हजे भी करोना जिहड़ा पीक ते जा सकता है ते जा भी रहा है, सो वो चीज़ों नूं किवें देखदे हो तुसीं भी हुण एक पासे इलेक्शन इलेक्शनां दी भी तैयारी जिहड़ी अंदर खाते सब दी चलनी जिहड़ी ओह शुरू हो गई है, क्योंकि जदों असीं सूत्रां तों जानकारी सानूं मिली है कि सारियां पार्टियां जिहड़ियां सरगर्म हो चुकियां ने इलेक्शनस नूं लै के, ते इक पासे करोना एक पासे इलेक्शन है, दोनों नूं किवें देख? क्योंकि हर पार्टी दे कोई भी इलेक्शन होवे, पंचायत इलेक्शन होवे, म्युनिसिपल इलेक्शन होवे, असैम्बली इलेक्शन होवे, हरेक पार्टी दे आप अपने स्टेक इहदे उपर लगे हुंदे हैगे ने, फिर भी मैं सारे ही पार्टी अगे बेनती करूँगा कि जिथे तुसीं अपनी पार्टी की विचारधारा रखनी हैगी है उत्ते ही सोशल डिस्टेंस का जरूर मेनटेन करना चाहिए, और अच्छा माहौल क्रिएट करना चाहिए। जिस तरह के कुछ दिन पहला तुसीं देखते हो कि इत्थे ओंकार नगर दे विच साडे साबका मेयर जी प्लस नाल ही इत्थे दूसरे एक नंगल साहब हैगे ने, वह जिहड़ा है अनसैसरी जिहड़ा एजिटेशन कर रहे हैगे ने, और ये मेयर साहब शायद भुल गए हैगे ने कि 215 2015 जां 2016 ही ग्रेटर क्लास की जिहड़ी जगह का नोटिफिकेशन कराया गया है, इस करके इस तरह दियाँ जिहड़ियां अछूती जिहड़ियां हैगियां इस तरह की जिहड़ी छोटी छोटी सोच दियाँ जिहड़ियां पॉलिटिक्स हैगियां तो बाहर निकलना चाहिए है। जेकर मेयर साहब के विच इन्ना ओंकार नगर का दर्द सीगा तो यह 8-10 साल लगातार इतने रहे हैं, उदों ही कर जाना चाहिए सीगा, साडे वालों जिथे मर्जी करता किसी ने कहा नहीं है, तो इन्हां नूं उदों उस समय याद नहीं आया से, तो हुण मेरे ख्याल जदों शायद घर वेले बैठे रहे हुण याद आ रहा भी असीं इस तरह की पॉलिटिक्स करनी, तो इस करके इस तरह की गंदी राजनीति उपर निकलना चाहिए पॉजिटिव। कांग्रेस पार्टी इस पासे नहीं जा रही है कि असीं गंदी राजनीति करनी है, असीं डिवेलपमेंट कर रहे हैं, जो डिवेलपमेंट इन्होंने की नहीं 16 पिंडां दे विच जिहड़े बाहर इन्होंने छड्डिया जिथे कि पिंडा तो भी बदतर जी पोजिशन सी, और अज भी कच्चे रस्ते से उसी के असी इंप्रूव किए, असी 70% उत्थे रस्ते बनाए है, और इलेक्शन तो पहले असी बाकी भी जो रिमेनिंग 25-30% रहेंगे वो रस्ते कंप्लीट करांगे। इन्हें पॉजिटिव लैके चलना चाहिए, वोटर ने वोटर नूं पता है कि पार्टी किस तरह की चल रही हैगी, वोटर ने अपने आप ही पाउणी है, इत्थे गंदा नाच करके जां इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स करके वोटां नहीं मिलदियां हैगियां, पॉजिटिव चलो। पर दूसरे पासे जे असीं देखिए कि जिदा मेयर साहब होरां वालों जां नंगल साहब होरां वालों जिहड़ी प्रोटेस्ट किया गया एंड अननेसैसरी तरीके दे नाल, जां उन्हां ने कानून दियां धज्जियां उडाईयां, असीं अज ही सानूं पता लगा भी बिना गल्लों पहलां भी बहुत सारे इहो जिहे प्रोटेस्ट हुंदे रहे ने, पर सूत्रां तों इह भी जानकारी सानूं मिल रही है कि जिहड़े बीजेपी वाले ने चाहे वह मेयर ने, मेयर भी इह गल कह रहे ने कि साडे वालों कल ही इलैक्शन आ जाण, असीं तां इलैक्शन जित्तण नूं तैयार हाँ, तैयार बर तैयार खड़े हैं असी, तो बीजेपी ने सानू सीटा जो देती, तो कांग्रेस कितने स्टैंड कर दी अपने आप को लैके? ये बीजेपी पार्टी का अंदरूनी मसला हैगा, उन्होंने पार्टी को उन्होंने टिकटा हूँ देतीं जां पहलां देतीं जां साल पहलां देतीं जां नहीं दित्तियां जां होर किसी ने पार्टियां दित्तियां, तो मेयर साहब को कहना तुसीं आपदी पार्टी का ध्यान रखो, बाकी किसी पार्टी का फिक्र ना करन, उन्होंने पार्टी अपने आप ही हैंडल कर लेगी। फगवाड़े के हालातों को देखते हैं, फगवाड़े के कांग्रेस के भी दो धड़े जो सामने आते हैं, उन्होंने धड़िया किमें देखते हो? कांग्रेस में कोई धड़ा नहीं है साढ़े सामने, कोई कांग्रेस एकजुट होकर पार्टी लड़ेगी, और मैं कोई समझ नहीं आता कि कोई धड़ा है, मैं तो कभी देखा नहीं भी धड़ेबाजी कोई है साढ़े सारे ही जो जिन्हें भी कांग्रेस के जो सीनियर वर्कर्स है जिन्हें भी पार्टी वर्कर्स है वो कंधे ना कंधा मिला के कर रहे हैं, तो धड़ेबाजी का कोई है नहीं, शायद हो सकता कि यह ओपोजिशन पार्टी का हो सकता कि उन्होंने इस तरह का कोई हथगंडा हो, और समय आने देखेंगे कि कोई भी इस तरह की साड़ी पार्टी कोई धड़ेबाजी नहीं। की मैसेज देना चाहते तुसी करोना के हालातों के सारी आवाम को? हाँ, क्योंकि करोना जिहड़ा है एक करोना जस्ट एक तुसी कह सकते हो कि एक गल अलग हैगी है कि करोना की फाइट आप कर रहे हैं, करोना के नाल नाल आप दूसरी बीमारियां भी है, शहर की सफाई भी हैगी है, सड़क की डिवेलपमेंट भी हैगी है, बाकी भी सारा हैगा, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन भी करना है, तो कल करोना नहीं भी आप करोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिथे आप करोना के खिलाफ लड़ना है उत्थे ही मैं खास करके जेडे कि यह ओपोजिशन ने जी इस तरह की गंदी राजनीति अपनाई की कि धरने लाने की लाने है, तो इस तरह के धरने तो उपर उठ के जोड़ा है शहर के जी है जिते करोना की फाइट करनी है, तो करोना की फाइट करने वास्ते जिते सरकार ने जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है उन्होंने फॉलो करना चाहिए, उस दे नाल ही जिहड़ा हैगा असी होर भी डिवेलपमेंट करनी हैगी, पर डिवेलपमेंट दे नाल नाल सानूं इह चाहीदा भी आपसी भाईचारा भी बना के रखना चाहीदा, कल नूं कोई हालात खराब हो जांदे कोई इस तरह की गल हो जांदी उह रिस्पोंसिबल हैगे ने, और ये मैं देखने मैनूं बड़ा अफसोस भी हुंदा हैगा
ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੋ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਹੋਊਗਾ? ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ 500-700 ਆਦਮੀ ਜਾਂ 200-400 ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੰਟਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ ਹਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਫ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨੰਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੈਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੜੀ ਜੋੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 25 ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਵਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲੈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਫਾਈਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਗਦੋਸ ਮਾਰੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ PSU ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਲਗਭਗ 23 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 23 PSU ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ।